लास्ट प्रोजेक्ट में हम लोग देखे थे व्हाट इज़ डेटा सेंटर, व्हाट इज़ फायरवॉल, ओके, व्हाट इज़ ब्रांच ऑफिसेस, आईएसपी, ठीक है, फायरवॉल, ये सब चीज़ देखे थे। तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर मोर डिटेल, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में हाउ मेनी थिंग्स इज देयर। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में दो थिंग होता है, मतलब दो चीज़ होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर दो पार्ट होता है, एक लॉजिकल होता है, एक फिजिकल होता है। तो एक लॉजिकल फिजिकल, ओके। तो लॉजिकल में क्या होता है कि सपोज़ मेरे पास एक सर्वर है, सर्वर वन, सर्वर टू, दो सर्वर एक स्विच के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है, एक राउटर है, राउटर के साथ वो स्विच कनेक्टेड होता है। तो अभी क्या होता है, ये जो हम लोग देख पा रहे इसको कहते हैं फिजिकल, हमेशा याद रखना, इसको कहते हैं फिजिकल, मतलब जो चीज़ हम लोग देख पा रहे उसको कहते हैं फिजिकल, ओके। तो अभी क्या हो रहा है कि देखो ये तो फिजिकली कनेक्टेड है, नाउ दिस सर्वर्स एस वन एंड एस टू, दो बोथ द सर्वर्स हैव रिक्वायर्ड टू डिफरेंट गेटवे। व्हाट इज डिफरेंट गेटवे, आई थिंक एवरीबॉडी नो अबाउट इट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, नहीं होगा तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना, मैं दिखा दूँगा। तो गेटवे होना चाहिए राउटर के पास, राउटर तो एक ही है, ठीक है, लिंक भी एक ही है, तो यहाँ पर लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट होता है, तो इसको कहते हैं लॉजिकल आर्किटेक्चर और लॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दैट्स द डिफरेंस फिजिकल एंड लॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये दो मोड है, इसको भी हमेशा याद रखना। तो पहले हम लोग डेटा सेंटर देखे थे, ब्रांच ऑफिस, फायरवॉल, आईएसपी देखे थे, ओके, इंटरनेट देखे थे, एमपीएलएस देखे थे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखे थे कि आज हम लोग देख पा रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिकल इन फिजिकल दो पार्ट, ये भी हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि 99% जो चीज़ है तो ये पूरा आर्किटेक्चर सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। 1% जो है उसको हम लोग थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग सेम ही रहेगा। ये वीडियो रिफ्रेशर 2 to 7 years एक्सपीरियंस जो इसके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो कंप्लीट वीडियो देखना तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगा, ठीक है। मैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी वीडियो है, इम्पॉर्टेंट सेशन बोल सकते हो, सो प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो फॉर योर हेल्प, ओके ओके। So now, see branch office, remote access, VPN, okay, few switches. यहाँ पर ना स्विच का एक फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है, एक स्विच वन है, एक स्विच टू एंड थ्री है, जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विच वन एंड स्विच टू थोड़ा करीब से ख्याल करना कि ये है नेक्सस डिवाइस, ठीक है, स्विच वन है iOS डिवाइस, ठीक है। तो नेक्सस स्विच और iOS डिवाइस का डिफरेंट मैं थोड़ा बोल देता हूँ। नेक्सस स्विच होता है आपका कॉम्प्लीटली सभी चीज़ आपको इनेबल रहता है, और नेक्सस में कोई भी चीज़ इनेबल नहीं, तो फीचर ओवर द फीचर आपको इनेबल करना पड़ता है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है VPC, वर्चुअल पोर्ट चैनल, ठीक है। तो पहले बात हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा व्हाट इज़ लूप, क्योंकि यहाँ पर तीन स्विच बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर्स, तो आपको एक तो लूप तो जनरेट करेगा। स्विच हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है लेयर टू डिवाइस, ठीक है, तो कंटिन्यूसली लूप चला जाएगा। स्विच वन हमेशा स्विच टू की तरफ देगा डेटा, एंड स्विच टू स्विच थ्री को, स्विच थ्री स्विच वन को, तो ये चलता ही रहेगा, कंटिन्यूसली लूप इज हैपनिंग। तो ऑल द इंटरफेस डू द ब्रॉडकास्ट, तो दिस इज अ प्रॉब्लम, ये ब्रॉडकास्ट तो बंद करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें, पहला है STP तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है, दूसरा है आपका VPC तुम यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये नेक्सस के अंदर एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर फीचर सेट, मैंने अभी जो चीज़ बोला फीचर, ओके, फीचर आपका क्या करेगा, यहाँ पर आप VPC इनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पर आपका VPC जो चीज़ है, VPC का मतलब क्या होता है, ये तुम देख सकते हो इधर, ठीक है। मैं आज का वीडियो में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो, VPC के बारे में थोड़ी बहुत बोल देता हूँ, वर्चुअल पोर्ट चैनल।
ये वर्चुअल पोर्ट चैनल जो है, ठीक है, वर्चुअल पोर्ट चैनल जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर दो जो नेक्सस स्विच है वो डाउनस्ट्रीम स्विच, मतलब जो iOS डिवाइस है वो एक ही स्विच दिखेगा, तो लूप प्रिवेंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका लॉजिकल ये है फिजिकल मेथड, ये मत देखो, ये फिजिकल मेथड, जब भी VPC हम इनेबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉजिकल मेथड हो जाएगा। तो क्या होगा, तो iOS स्विच एक ही स्विच देखेगा, मतलब एक स्विच से डायरेक्टली कनेक्ट होगा, ठीक है, लूप प्रिवेंशन बात देगा। सो फॉर टूडेज वीडियो दैट्स ऑल, मतलब इतना तक आज के लिए इतना तक। सो थैंक यू फॉर द सपोर्ट विथ मी एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।